मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम ट्रांसलेशन में वर्ब सेट 13 लर्न करेंगे। यह आपके वर्ब सेट का लास्ट सेट है जिसे आपको अच्छे से लर्न करना है और सारी वर्ब्स को समझना है। ओके, तो आज हम वर्ब सेट 13 लर्न करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं लर्न करना। तो फर्स्ट वर्ब है बच्चों, दैट इज स्ट्रेच आउट। क्या है? स्ट्रेच आउट। स्पेलिंग देखिए, STRETCH, स्ट्रेच आउट। आउट ये तो सभी को लर्न है। OUT, आउट। तो स्ट्रेच आउट मतलब होता है फैलाना। स्ट्रेच आउट का मतलब क्या हुआ? फैलाना मतलब किसी चीज़ को लंबा करने के लिए या फिर चौड़ा करने के लिए हम खींचते हैं ना, खींचना। कहते हैं ना, रबर बैंड को स्ट्रेच करो, स्ट्रेच आउट करो मतलब उसको खींचो। तो स्ट्रेच आउट मीन्स होता है लंबा करने के लिए या फिर चौड़ा करने के लिए किसी चीज़ को खींचना। ओके, या फिर फैलाना। आया समझ? नेक्स्ट वर्ब है बच्चों स्ट्राइक, STRIKE। स्ट्राइक मीन्स होता है प्रहार करना। स्ट्राइक मीन्स प्रहार करने का मतलब है किसी पर, हाँ मतलब आक्रमण करना, प्रहार करना उस पर। तो STRIKE मतलब स्ट्राइक मीन्स प्रहार करना। ओके, नेक्स्ट जो वर्ब है सक्सीड, SUCCED। सक्सीड मीन्स होता है बच्चों सफलता प्राप्त करना। सक्सीड मीन्स सफलता प्राप्त करने का मतलब हुआ सफल होना, है ना। जैसे आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया, आपने कोई भी एग्ज़ाम किया और आपने उस एग्ज़ाम में आप क्या हो गए? सक्सीड हो गए, मतलब आपने सफलता प्राप्त कर ली, आप सफल हो गए। क्या हो गए? आप पास हो गए, आपने सफलता प्राप्त कर ली, आप सफल हो गए। तो सक्सीड मीन्स होता है सफलता प्राप्त करना, SUCCED। स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा, प्रोनंसिएशन को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सक्सीड, SUCCED, सक्सीड मीन्स सफलता प्राप्त करना। सक्सीड मीन्स सफलता प्राप्त करना। ओके, नेक्स्ट है बच्चों स्विच ऑन। स्विच ऑन का मतलब होता है खोलना, जैसे कहते हैं ना स्विच को ऑन कर दो। तो स्विच ऑन मतलब ये होता है खोल दो उसको, ओपन कर दो। स्विच ऑन मीन्स खोलना। मशीन के बटन को स्विच ऑन कर दो, है ना। तो स्विच ऑन मीन्स खोलना, SWITCH, SWITCH, स्विच ऑन। ऑन ऑन मतलब तो आप जानते ना, किसी भी चीज़ को खोलना, ओपन करना मतलब ऑन करना। तो स्विच ऑन मीन्स खोलना, स्विच ऑन खोलना। ओके, चलिए सभी अपनी आंखें बंद करिए, फटाफट से मुझे ये फोर वर्ब्स सुनाइए। स्ट्रेच आउट, फैलाना या फिर किसी चीज़ को खींचना, स्ट्राइक प्रहार करना, सक्सीड सफलता प्राप्त करना, स्विच ऑन खोलना। ओके, चलिए अब अपनी आईज भी हम आप लोग खोल लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट 5 नंबर पे जो वर्ब है दैट इज टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ मतलब होता है कि देखभाल करना। अब ऑफ के बाद आएगा वो जिसकी हम देखभाल कर रहे हैं, जैसे किसी डॉग की देखभाल करनी है या किसी की, तुम्हारी देखभाल करनी है या अपनी मदर की देखभाल करनी है, तो टेक केयर ऑफ यू, टेक केयर ऑफ माई डॉग। ओके, तो टेक केयर ऑफ मतलब होता है कि देखभाल करना, कि देखभाल करना। ओके, नेक्स्ट टेक ऑफ, टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स क्या होता है? वस्त्र उतारना मतलब कपड़े उतारना। कहते हैं ना अपनी ड्रेस को टेक ऑफ कर लो मतलब उतार लो, वस्त्र उतार लो मतलब कपड़े उतार लो, ठीक है। तो टेक ऑफ मीन्स वस्त्र उतारना, या फिर हम कह सकते हैं कपड़े उतारना। आया समझ? नेक्स्ट टेक आउट, टेक आउट मीन्स बाहर निकालना। अब आपने ये वर्ब भी बहुत सुनी होगी, आपसे मैम कहती है ना, या फिर मैं आपसे कहती हूँ अपनी बुक्स टेक आउट कर लीजिए मतलब बाहर निकाल लीजिए। तो टेक आउट मीन्स बाहर निकालना। बॉक्स में से आइसक्रीम बाहर निकाल लो मतलब
बॉक्स में से आइसक्रीम को टेक आउट कर लो, बाहर निकाल लो। तो बाहर निकालने का मतलब होता है टेक आउट, ठीक है। नेक्स्ट टीज, TEASE, टीज मीन्स क्या होता है, चिढ़ाना। हम किसी को चिढ़ाते हैं, जैसे भाई बहन को चिढ़ाता है ना, जैसे उसके पास एक चॉकलेट है उसको चिढ़ाना, तो नॉर्मल वर्ड है, हम इसको यूज़ भी कर लेते हैं कि चिढ़ाओ मत, टीज मत करो, या फिर छेड़ना, परेशान करते हैं हम किसी को, चिढ़ाते हैं छेड़ते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टीज। डोंट टीज हर, उसे परेशान मत करो, उसे चिढ़ाओ मत। तो TEASE, टीज मीन्स चिढ़ाना या छेड़ना, ओके। नेक्स्ट थ्रैश, थ्रैश मीन्स क्या होता है, छानना। थ्रैश मीन्स छानना। तो इस थ्रैश के बारे में आपने EVS में भी पढ़ा होगा, जब हमने फूड वाला चैप्टर पढ़ा था, जर्नी ऑफ फूड पढ़ा था ना, उसमें थ्रैश में क्या था, थ्रैश का मतलब क्या होता है, पौधों में से अनाज को अलग करना। जैसे हमने खेत, जो फसल होती है, फसल के तो पौधे तो होते हैं, तो पौधों में से हम अनाज अलग करते हैं, गेहूँ अलग कर रहे हैं, चावल अलग कर रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को, तो उसी को हम बोलते हैं थ्रैश। किसके थ्रू, मशीन के थ्रू या फिर अपने हाथों से अलग करते हैं हम, तो उसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में थ्रैश, मतलब छानना। थ्रैश मीन्स छानना। नेक्स्ट ट्रेन, ट्रेन मीन्स होता है सिखाना। यहाँ पर ट्रेन वो नहीं है जो ट्रेन होती है, नहीं, ट्रेन मीन्स सिखाना, मतलब किसी चीज़ को, सपोज बोलते हैं ना कि यहाँ पर फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग का मतलब यही है, सिखाया जा रहा है कि उसको खेलना कैसे है, ट्रेन करना, किसी को सिखाना। TRAIN, ट्रेन मीन्स सिखाना, ओके। चलिए आंखें बंद कीजिए सभी अपने, बताइए मुझे सारी वर्ब्स एक बार। टेक केयर ऑफ, की देखभाल करना। टेक ऑफ, कपड़े उतारना। टेक आउट, बाहर निकालना। टीज, चिढ़ाना या छेड़ना। थ्रैश, छानना। ट्रेन, सिखाना। ओके, आया समझ। आंखें ओपन, आइज ओपन कर लीजिए सभी बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वर्ब है बच्चों, 11 नंबर पे, ट्रांसपायर। ट्रांसपायर मीन्स क्या होता है, ट्रांसपायर मीन्स होता है भाप उठना। भाप उठने का मतलब है, जैसे आपने देखा है पत्तियाँ आपको ऊपर से थोड़ी थोड़ी गीली गीली सी लगती हैं, लगती है ना, और हमेशा उन पत्तियों पर थोड़ी सी नमी बनी रहती है, क्योंकि क्या होता है, जो पत्तियों के अंदर पानी होता है वो धूप की वजह से बाहर निकल निकल के आता है, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपायर। ट्रांसपायर मीन्स भाप उठना, भाप उठना, ओके। ट्रांसपायर मीन्स भाप उठना। नेक्स्ट देखिए ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, पहुंचाना या परिवहन करना। परिवहन करने का मतलब है यात्रा करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, मतलब ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट मीन्स पहुंचाना या परिवहन करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, खुद जाना या फिर किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। ट्रांसपोर्ट मीन्स पहुंचाना या परिवहन करना। TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट, पहुंचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, परिवहन करना, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो वर्ब है दैट इज ट्रिम। ट्रिम मीन्स क्या होता है, संवारना। ट्रिम मीन्स संवारना, ट्रिम मीन्स होता है संवारना, मतलब जैसे कहते हैं ना, मैंने अपने बालों में, अपने बालों की ट्रिमिंग कराई है, मतलब संवार, उसको क्या किया है, संवारा है, ट्रिमिंग करवाई है, तो ट्रिम मीन्स संवारना। तो क्या होता है ट्रिम मीन्स संवारना, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, ट्राई हार्ड। ट्राई हार्ड का मतलब क्या हुआ, काफ़ी प्रयत्न करना, काफ़ी कोशिश करना, बहुत कोशिश करना, ट्राई हार्ड, बहुत कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट टर्न अवे, टर्न अवे मतलब होता है पीछे मुड़ना। टर्न अवे मीन्स पीछे मुड़ना, कहते ना टर्न अवे, पीछे मुड़कर देखो, टर्न अवे पीछे मुड़ना, टर्न मतलब मुड़ना और अवे मतलब पीछे, तो टर्न अवे मीन्स पीछे मुड़ना, ओके। चलिए आंखें बंद कीजिए सभी बच्चे। ट्रांसपायर,
भाप उठना, ट्रांसपोर्ट पहुंचाना या परिवहन करना, ट्रिम सवारना, ट्राई हार्ड काफ़ी कोशिश करना, टर्न अवे पीछे मुड़ना। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 16 नंबर पे जो वर्ब है दैट इज़ टर्न इनटू। टर्न मतलब मुड़ना या बदलना, इनटू मैं बदलना, टर्न इनटू। जैसे हम कह सकते हैं कि फ्रीजिंग करने पर, है ना, फ्रीज में रखने पर क्या होता है, पानी आइस में बदल जाता है, तो वाटर टर्न्स इनटू आइस। ओके आइस में बदल गया, तो मैं बदलना, जिसमें बदलना वो इनटू के बाद आएगा, तो टर्न इनटू मतलब मैं बदलना, टर्न इनटू मीन्स मैं बदलना। नेक्स्ट टर्न पेल, टर्न पेल मतलब पीला पड़ना, जैसे बीमारी के कारण कभी कभी हमारा जो फेस होता है वो पीला पड़ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं टर्न पेल। टर्न पेल मीन्स पीला पड़ना। ओके टी यू आर एन टर्न पेल, पी ए आई एल पेल। ओके नेक्स्ट जो वर्ब है दैट इज़ अनपैक। अनपैक मतलब सामान खोलना, आप कहीं गए तो आपने सामान पैक किया और फिर आप वहाँ से रिटर्न होकर आए तो आपने सारा सामान क्या किया, अनपैक किया, मतलब अपना सामान खोला, अनपैक किया, तो अनपैक मीन्स सामान खोलना। आया समझ। नेक्स्ट अनटाई, अनटाई टाई मीन्स बांधना और अनटाई मतलब बंधन खोलना। अनटाई मीन्स बंधन खोलना, मतलब जो भी आपने बांधा है उसको खोलना, अनटाई करना, तो अनटाई मीन्स बंधन खोलना। ओके नेक्स्ट अपरूट, अपरूट अपरूट मीन्स होता है उखाड़ना, अपरूट मीन्स उखाड़ना, जैसे हमने जड़ से किसी चीज़ को उखाड़ दिया, अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ना, है ना, हमने कोई पौधा है उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया, मतलब अपरूट कर दिया, तो अपरूट मतलब होता है उखाड़ना। ओके नेक्स्ट जो वर्ब है वो है बच्चों वेरी, बी ए वी ए आर वाई। वेरी मीन्स भिन्न होना, अलग अलग होना, कहते हैं दो डिफरेंट थिंग्स हैं, एक दूसरे को वेरी करती हैं, वेरी करने का मतलब है भिन्न करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, वो अलग है वो अलग है, ठीक है, तो वेरी मीन्स भिन्न होना, मतलब अलग अलग होना। आंखें बंद कीजिए सभी बच्चे, चलिए सुनाइए। टर्न इनटू में बदलना, टर्न पेल पीला पड़ना, अनपैक सामान खोलना, अनटाई बंधन खोलना, अपरूट उखाड़ना, वेरी भिन्न होना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, और आगे की वर्ब्स को लर्न करते हैं। तो आप सभी को 20 वर्ब्स लर्न हुई, अब बस ओनली 10 वर्ब्स और रह गई हैं, तो उन्हें हम अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और उन्हें भी याद करते हैं। आपके 10 भी नहीं रह गए, ओनली 9 रह गई, क्योंकि 21 तक हमने लर्न कर ली ना। चलिए अब 22 से हम वर्ब देखते हैं। 22 पे है वेंटिलेट। वेंटिलेट मतलब होता है हवादार करना, मतलब हवा आने देना, कहते हैं ना रूम को वेंटिलेट कर दो, मतलब रूम में विंडोज़ वगैरह होनी चाहिए ताकि ईजिली हवा अंदर आ सके, हवा आर पार हो सके, तो वेंटिलेट मीन्स हवादार करना। नेक्स्ट वेंचर, वेंचर मीन्स होता है साहस करना, मतलब किसी काम को करने की हिम्मत करना, वेंचर साहस करना या फिर जोखिम उठाना, जब हम कोई कठिन काम को करने का साहस करते हैं, उसका है ना हिम्मत करते हैं उसे करने की, तो कोई ना कोई हमें जोखिम, चोट भी लग जाती है, तो उसी को हम बोल सकते हैं जोखिम उठाना, किसी कठिन काम को करने की हिम्मत करना, तो वेंचर मीन्स साहस करना या जोखिम उठाना। नेक्स्ट वॉलंटियर, वॉलंटियर मतलब होता है स्वयं सेवक के रूप में आगे आना, वॉलंटियर मीन्स स्वयं सेवक के रूप में आगे आने का मतलब है खुद किसी की सेवा करना, कोई भी मतलब बिना पैसे के, यानी आप खुद सेवा कर रहे हैं, खुद लोगों की सेवा कर रहे हैं, स्वयं सेवक हैं आप, के रूप में आगे आना, स्वयं सेवक के रूप में आगे आना, स्वयं सेवक का मतलब होता है खुद सेवा करना, ठीक है। वॉलंटियर वी ओ एल यू एन टी डबल ई आर, वॉलंटियर मीन्स स्वयं सेवक के रूप में आगे आना। ओके
नेक्स्ट वेड, डब्ल्यू ए डी ई, वेड मीन्स होता है पानी में से गुजरना, बड़ी कठिनाई के साथ पानी में से गुजरना, या फिर हम कह सकते हैं कीचड़ पड़ी हुई है उसके ऊपर से हम निकल रहे हैं, इसका मतलब गुजर रहे हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वेड, डब्ल्यू ए डी ई, वेड मीन्स पानी में से गुजरना या फिर किसी कीचड़ के ऊपर से गुजरना, ओके, डब्ल्यू ए डी ई, वेड मीन्स होता है पानी में से गुजरना, ओके, आया समझ। नेक्स्ट देखिए वॉर्न, वॉर्न मीन्स होता है चेतावनी देना, वॉर्न मीन्स चेतावनी देना, चेतावनी का देने का मतलब हुआ कि किसी को हम चैलेंज करते हैं, चेतावनी देते हैं कि अगर अब तुमने कोई गलती की तो फिर तुम्हें पुलिस के पास जाना ही होगा, हम उसे चेतावनी दे रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं, तो वॉर्न मीन्स चेतावनी देना, ओके। नेक्स्ट है विनो, विनो मीन्स होता है बच्चों सूप से फटकाना। देखिए सबसे पहले हमने थ्रेशिंग कर ली, पौधों में से अनाज को निकाल लिया, अब अनाज में ऐसा हो सकता है भूसा भी हो सकता है, गंदगी भी हो सकती है, तो उसको सूप से फटकार कर, सूप से फटकार कर हम उसे साफ करते हैं, तो उसको ही हम इंग्लिश में बोलते हैं विनो, क्या बोलते हैं इंग्लिश में विनो, डब्ल्यू आई डबल एन ओ डब्ल्यू, विनो मीन्स सूप से फटकाना, विनो मीन्स सूप से फटकाना, ओके, आया समझ। चलिए अब आंखें बंद कर लीजिए सभी बच्चे, सुनाइए मुझे, वेंटिलेट हवादार करना, वेंचर साहस करना, वॉलंटियर स्वयं सेवक के रूप में आगे आना, वेड पानी में से गुजरना या फिर कीचड़ के ऊपर से गुजरना, वॉर्न चेतावनी देना, विनो सूप से फटकाना, ओके। चलिए अब आगे ओनली आपके 3 वर्ब्स रह गए हैं, फटाफट से हम उन्हें भी लर्न कर लेते हैं। देखिए तो जो अब 28 पर जो वर्ब है वो है बच्चों विद स्टैंड, विद स्टैंड का मतलब होता है रोकना, किसी को रोकना या फिर सहन करना कोई चीज़, मतलब किसी ने हमसे कुछ गलत कहा, हमने उसको उसके साथ हमने विद स्टैंड कर लिया, मतलब उसको सहन कर लिया, रोक के रहे अपने आप को, जाकर लड़े नहीं, सहन करना, किसी चीज़ को सहन कर लेना, रोक लेना, अपने अंदर ही रखना, तो मतलब उसके साथ हम क्या कर रहे हैं विद स्टैंड कर रहे हैं, मतलब उसके साथ खड़े हुए हैं, उसको सहन कर रहे हैं, रोके हुए हैं, तो विद स्टैंड मीन्स रोकना या सहन करना, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वर्ब है दैट इज़ वंडर, वंडर मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना, वंडर हो जाना किसी बात को, जैसे कोई आपने कोई बात सुनी और आप उसको सुनकर क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, वंडर हो गए, तो वंडर मीन्स आश्चर्यचकित होना, डब्ल्यू ओ एन टी ई आर, वंडर मीन्स आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट रैप, डब्ल्यू आर ए पी, रैप मीन्स तो आपने बहुत मोस्टली ये वर्ड सुना होगा कि खाने को सिल्वर फॉइल में रैप कर दो, या फिर इस गिफ्ट को रैप कर दो, रैपिंग कर दो इस गिफ्ट की, मतलब लपेटना, रैप मीन्स लपेटना, डब्ल्यू आर ए पी, रैप मीन्स क्या होता है बच्चों लपेटना, ओके। चलिए अब आंखें बंद करिए सभी बच्चे और मुझे 3 वर्ब और सुना दीजिए अच्छे से, विदस्टैंड रोकना या सहन करना, वंडर आश्चर्यचकित होना, रैप लपेटना, ओके, आया समझ। तो यहाँ पर आपका वर्ब सेट 13 कंप्लीट होता है और अब आपके सारे वर्ब सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, सो इट्स योर ड्यूटी एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, आप इन वर्ब सेट्स को लर्न कीजिए, वर्ब्स को समझिए, और आप वर्कशीट में इन वर्ब्स को देखते हैं तो वहाँ पर भी आप इनके मीनिंग को खुद ही फाइंड कीजिए, ठीक है। तो आज आप सभी का होमवर्क है कि आप सभी को वर्ब सेट 13 लिखना है अपनी नोटबुक में और याद करना है, पहले याद कीजिएगा आफ्टर देन लिखिएगा, सभी को वर्ब सेट 13 पहले अच्छे से लर्न करना है तभी लिखना, पहले लर्न करना फिर लिखना, ओके। तो आज आपका होमवर्क है दैट यू हैव टू लर्न एंड राइट वर्ब सेट 13। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।